भारत का एथलेटिक्स परिवार AFI। AFI यानी भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन हमारे देश के एथलीट्स के लिए एक मजबूत स्तंभ है। भारत में एथलेटिक्स का एक बड़ा परिवार है। इस परिवार में हर उम्र और हर स्तर के एथलीट्स शामिल हैं, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इस परिवार का नाम है AFI। AFI का उद्देश्य है कि हर भारतीय एथलीट को सही मार्गदर्शन और संसाधन मिले, ताकि वे अपने खेल में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें। AFI मतलब भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन। यह संगठन न केवल एथलीट्स को ट्रेनिंग देता है, बल्कि उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाता है। ये इंडिया का सबसे बड़ा एथलेटिक्स ग्रुप है। AFI के तहत हमारे एथलीट्स ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की है। ये हमारे देश में एथलेटिक्स को आगे बढ़ाता है। AFI का नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है, जो हर राज्य और क्षेत्र के एथलीट्स को एक मंच प्रदान करता है। AFI सब एथलीट्स के लिए काम करता है। ये संगठन कोचिंग, ट्रेनिंग कैंप्स और प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है, ताकि हर एथलीट को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। ये देखता है कि सबको खेलने का पूरा मौका मिले। AFI का मानना है कि खेल में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और हर एथलीट को समान अवसर मिलना चाहिए। AFI नए नए टैलेंट ढूंढता है और उनको आगे बढ़ने में मदद करता है। यह संगठन स्कूलों और कॉलेजों में जाकर युवा प्रतिभाओं की खोज करता है और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देता है। AFI का सपना है कि इंडिया एथलेटिक्स में सबसे आगे रहे। यह संगठन हर एथलीट को प्रेरित करता है कि वे अपने खेल में नए कीर्तिमान स्थापित करें और देश का नाम रोशन करें। AFI चाहता है कि इंडिया के एथलीट्स दुनिया में नाम रोशन करें। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय एथलीट्स की पहचान बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। AFI हम सब इंडियंस के लिए गर्व की बात है। ये संगठन न केवल एथलीट्स को बल्कि पूरे देश को एकजुट करता है और हमें गर्व महसूस कराता है कि हम भारतीय हैं। AFI का जन्म 1946 में हुआ था। ये बहुत बड़ा कदम था। इसे इंडिया में एथलेटिक्स को नई दिशा मिली। AFI IAAF का मेंबर है। IAAF मतलब इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन। IAAF पूरी दुनिया में एथलेटिक्स चलाता है। AFI AAA का भी मेंबर है। AA मतलब एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन। AA एशिया में एथलेटिक्स को आगे बढ़ाता है। इन बड़े ग्रुप्स के साथ जुड़कर AFI इंडियन एथलीट्स को वर्ल्ड लेवल पर खेलने का मौका देता है। AFI हर साल बहुत सारे नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन करवाता है। इनमें से नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप सबसे जरूरी है। ये कॉम्पिटिशन हर साल अलग अलग शहर में होता है। इसमें पूरे देश से एथलीट्स आते हैं। AFI इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में भी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स। AFI का टारगेट है कि इन गेम्स में इंडिया सबसे ज्यादा मेडल जीते। AFI का सबसे बड़ा मकसद है एथलीट्स को आगे बढ़ाना। AFI टैलेंटेड एथलीट्स को स्कॉलरशिप देता है, इससे वो अपने खेल को और अच्छा बना पाते हैं। AFI एथलीट्स को ट्रेनिंग और हॉस्पिटल की सुविधा भी देता है। AFI का मानना है कि हर खिलाड़ी को सफल होने का पूरा मौका मिलना चाहिए। AFI अपने एथलीट्स की हर तरह से मदद करता है। पार्ट 5, छोटे लेवल से एथलेटिक्स को बढ़ावा। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑन ऑफ इंडिया AFI का उद्देश्य है कि बच्चों में खेल के प्रति रुचि को बढ़ावा देना। AFI छोटे लेवल पर एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत से प्रोग्राम चलाता है। इन प्रोग्राम्स के माध्यम से बच्चों को सही कोचिंग और ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वे अपने खेल में निपुण हो सकें। AFI स्कूल और कॉलेज में एथलेटिक्स को बढ़ावा देता है। स्कूल और कॉलेज स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिससे युवा एथलीट्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। AFI गांव में भी टैलेंट ढूंढता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी एथलेटिक्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। AFI का मानना है कि टैलेंट कहीं भी हो सकता है, चाहे वह शहर हो या गांव। हर जगह से टैलेंटेड एथलीट्स को खोजा जाता है और उन्हें सही मार्गदर्शन दिया जाता है। AFI चाहता है कि एथलेटिक्स इंडिया के हर गांव और शहर तक पहुंचे। इसके लिए विभिन्न प्रशिक्षण शिविर और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। AFI चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एथलेटिक्स में दिलचस्पी लें। खेल के माध्यम से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है और वे एक स्वस्थ जीवन शैली अपना सकते हैं। पार्ट 6, कोचिंग कैंप टैलेंट को निखारना। AFI समय समय पर कोचिंग कैंप लगवाता है। इन कैंप में एक्सपीरियंस्ड कोच यंग एथलीट्स को ट्रेनिंग देते हैं। इन कैंप में एथलीट्स को नई नई टेक्निक्स सिखाई जाती हैं।
AFI का मानना है कि अच्छी ट्रेनिंग से ही अच्छा परफॉर्मेंस आता है। AFI अपने कोचिंग कैंप के जरिए फ्यूचर के चैंपियन तैयार कर रहा है। AFI का सपना है कि इंडिया के एथलीट दुनिया में अपना नाम रोशन करें। पार्ट 7, नेशनल चैंपियनशिप सपनों की उड़ान। नेशनल चैंपियनशिप AFI का सबसे बड़ा इवेंट होता है। ये कॉम्पिटिशन हर साल होता है। इसमें पूरे देश के एथलीट्स आते हैं। ये कॉम्पिटिशन एथलीट्स को एक स्टेज देता है। यहाँ से वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं और अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। नेशनल चैंपियनशिप से बहुत सारे नए स्टार्स निकल कर आते हैं। पार्ट 8, AFI भविष्य की ओर। AFI लगातार आगे BIH रहा है। AFI का टारगेट है इंडिया को एथलेटिक्स में सुपर पावर बनाना। AFI नई नई टेक्नोलॉजी अपना रहा है और अपने काम को बढ़ा रहा है। AFI का मानना है कि मेहनत और लगन से ही सफलता मिलती है। AFI आगे भी इंडियन एथलेटिक्स को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। पार्ट 9, इंडियन एथलेटिक्स का सुनहरा कल। AFI की वजह से इंडियन एथलेटिक्स का फ्यूचर बहुत अच्छा है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI ने पिछले कुछ सालों में एथलीट्स को बेहतरीन सुविधाएं और ट्रेनिंग दी है। आज इंडिया के एथलीट्स वर्ल्ड लेवल पर अपनी पहचान बना रहे हैं। वे न केवल मेडल जीत रहे हैं बल्कि नए रिकॉर्ड भी बना रहे हैं। नीरज चोपड़ा, PT उषा, मिल्खा सिंह जैसे एथलीट्स ने इंडिया का नाम रोशन किया है। इनकी मेहनत और समर्पण ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की है। AFI का टारगेट है ऐसे ही और चैंपियन तैयार करना। वे युवा एथलीट्स को सही दिशा और मार्गदर्शन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। AFI का मानना है कि इंडिया जल्द ही एथलेटिक्स में सुपर पावर बनेगा। वे एथलीट्स को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें। AFI अपने इस सपने को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वे नई रणनीतियों और योजनाओं पर काम कर रहे हैं ताकि इंडियन एथलेटिक्स को ग्लोबल लेवल पर ले जाया जा सके। AFI का यह प्रयास है कि हर भारतीय एथलीट को विश्व स्तरीय ट्रेनिंग और सुविधाएं मिलें, जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें।